This is Asad Calculus and Math Second Year Exercise 2.2 पे आज हम ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस पे को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। अगर आपको कहा जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पे इसको सॉल्व करो तो फिर आपको बाय द डेफिनेशंस मैथमेटिकल डेफिनेशंस जो डेरिवेटिव्स है वो यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है वो हमारे पास इस तरह है, एफ प्राइम एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो इसमें मैं पहला एफ आर सॉल्व करूँगा। एफ आर आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, इसको इक्वेशन वन का नाम दो। अब जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस डेल्टा x, तो इस x की जगह मैंने लिख दिया x प्लस डेल्टा x। क्यों? क्योंकि यहाँ फार्मूले में हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x, तो इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया x प्लस डेल्टा x। ये जो फार्मूला है इसी के मुताबिक हम ये क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर हम इसमें ये वैल्यू स्पोर्ट करेंगे। तो इस x की जगह मैंने लिख दिया x प्लस डेल्टा x, अगर यहाँ t था तो फिर मैं लिखता t प्लस डेल्टा t, अगर यहाँ v था तो मैं लिखता v प्लस डेल्टा v। तो जब इस x की जगह मैंने x प्लस डेल्टा x लिख दिया तो फिर इस x की जगह भी मैं x प्लस डेल्टा x लिख दूंगा। अच्छा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x, इसको इक्वेशन 2 कह दो। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में ये जो रूल है, एक हमारे पास है एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x और एक है एफ ऑफ x, इन की जगह ये वैल्यू स्पोर्ट करो। एक एफ ऑफ x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है 3x। मतलब यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ करो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल इस तरह है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, इसको कहा जाएगा एफ प्राइम एक्स। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है, तो इस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह लिख दो क्या, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम लिख देंगे 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे माइनस 3x डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। मतलब इस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये वैल्यूज लगा दो और इस एफ ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू लगा दो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 3 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हुआ, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो सिर्फ 3 आएगा, तो 3 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का लिमिट सेम होता है, तो हमारा आंसर आ चुका है 3। और वैसे भी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो जब एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो 3 वन ज़ा 3 आएगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स कहा जाए तो फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ये जो एफ नंबर पार्ट है इसको आप लोग देख ले। ये तीन पार्ट मैंने उठाए हैं एक्सरसाइज 2.2 से, ये थोड़े मुश्किल थे तो इसलिए मैंने लिख दिए हैं। आज दूसरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय एक्स, तो अगेन इस एक्स की जगह लिख दो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ भी मैं लिख दूंगा 7 डिवाइड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको इक्वेशन 1 कह दो और इसको इक्वेशन 2 कह दो। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करो, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कौन सी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 7 डिवाइड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 7 डिवाइड बाय एक्स एंड होल डेल्टा एक्स आ जाएगा। इसका एलसीएम लो, ये एक जैसे टर्म्स नहीं है, तो ये इसका एलसीएम क्या जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स एन टू एक्स और होल डेल्टा एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये एक्स इधर मल्टीप्लाइड करो 7x हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाइड करो एक्स प्लस
डेल्टा एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा। अब अच्छा, इन दोनों को मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स एन टू एक्स। तो ये सेवन एक्स के साथ कैंसिल हुआ और ये डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हुआ, तो बन गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो माइनस सेवन डिवाइड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स एन टू एक्स। तो ये जो डेल्टा एक्स है, इस डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करो तो माइनस सेवन डिवाइड बाय एक्स प्लस ज़ीरो एन टू एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस सेवन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा माइनस सेवन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो जी नंबर पार्ट है, तो आप लोग सिमिलरली यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं फाइव डिवाइड बाय टू एक्स माइनस फोर। तो जब इस एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा फाइव टू एन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फोर। तो ये आप लोग इस तरह लिख सकते हैं फाइव एन टू टू एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस फोर। तो एक इक्वेशन ये बनेगा और एक इक्वेशन ये बनेगा। आप लोग इसको यहाँ पे पुट करो, इसी तरह एलसीएम लो, कैलकुलेशंस करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको ट्राई करो, अगर फिर भी कोई मसला है तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम पावर रूल, कांस्टेंट रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशन रूल की प्रूफ करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से।